Hello and welcome to the weekly market outlook video. Thanks to the rally on Friday, जिसे global market में significant तेजी का support मिला और Nifty एक और week respectable gain के साथ बंद हुई. अनुमान से कम US inflation numbers के कारण US bond yields और dollar index में dramatic decrease दिखा, जिसे पूरे global market में गजब का उछाल आया. Nifty 52 week के नए high level पर end हुई और बैंक निफ्टी एक नए फ्रेश ऑल टाइम हाई पर एंड हुआ. लेकिन ब्रॉडर मार्केट ने लास्ट वीक अंडर परफॉर्म किया. इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस दोनों ने लॉस देखा. इंटरनेशनल मार्केट में रिबाउंड के बीच निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच रहा है. इसका पिछला ऑल टाइम हाई 21 अक्टूबर को 18604 था. इंडियन इक्विटी मार्केट को लगातार FII से फंड मिल रहा है और इसने फ्राइडे को परचेज के 11th ट्रेडिंग सेशन को मार्क्ड किया. जैसे जैसे अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में कमी आएगी, ये बाजार को एक नई रिकॉर्ड हाई तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं. लास्ट वीक रुपए में भी एक नोटेबल स्ट्रेंथ देखी गई. ग्लोबल मार्केट के मूवमेंट से ये सेंटिमेंट्स बने रहेंगे. बाजार की नजर अब हमारे इन्फ्लेशन नंबर्स पर होगी. टेक्निकली निफ्टी एक ब्रॉडिंग बेच फॉर्मेशन से बाहर आ रहा है और 18350 पर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पर बंद हुआ है. यदि ये उस लेवल से ऊपर मैनेज कर पाता है तो हम 18500, 18600 और 18800 के लेवल की ओर बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं. डाउन साइड पर 18300 एक सॉलिड सपोर्ट है और 18100 जोन इमीडिएट डिमांड जोन के रूप में काम करेगा. बैंक निफ्टी करंटली 42,000 के साइकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड से ज्यादा है और अब तक के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है. बैंक निफ्टी का नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट 43,000 के आसपास है. डाउन साइड में 41,750 इमीडिएट सपोर्ट है और 41,000 से 41,800 तक की रेंज क्रूशियल डिमांड जोन है. अगर हम डेरिवेटिव डेटा को देखें तो पुट कॉल रेशियो 1.22 है और इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs का लॉन्ग एक्सपोजर 62% है, जो दोनों ही मार्केट में तेजी की ओर इशारा करते हैं. ओपन इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट के अनुसार 19,000 तक कोई बड़ी बाधा नहीं है, जबकि 18,300 और 18,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है. थैंक यू.